अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मारिया रशीद, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट एट रहमान मेडिकल सेंटर। आज मैं बात करूंगी एक्नी के बारे में। एक्नी का ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है और अगर आपकी एक्नी क्लियर नहीं हो रही तो इसकी क्या वजहात हो सकती हैं। सो एक्नी का ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है? नंबर वन, एक्नी का ट्रीटमेंट इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इससे एक्नी स्कार्स बनते हैं। सिवियर फॉर्म्स ऑफ एक्नी में भी एक्नी स्कार्स बनते हैं और जिन पेशेंट्स को कॉन्टीन्यू स्किन पिकिंग की आदत होती है उसमें भी एक्नी स्कार्स बनते हैं। चेहरे पे खड्डे, फिर उनका इलाज मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू द ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी। नंबर दो, एक्नी स्पॉट्स। एक्नी के दाने अगर खड्डे ना छोड़ें तो निशान छोड़ जाते हैं, जो कि डार्क पीपल में थोड़े भूरे रंग के होते हैं और फेयर स्किन पीपल में रेड कलर के स्पॉट्स देखे जाते हैं। ये भी लिंगर ऑन करते हैं और फिर काफ़ी टाइम लगता है इन्हें फेड होने को। नंबर तीन, एक्नी यूजली टीन एज में आती है बट ये परसिस्ट करती है अंटिल 30 ईयर्स ऑफ एज और कुछ लोगों में इससे भी ऊपर देखी गई है। सो अगर आपने एक्नी को इन टाइम ट्रीट नहीं किया, एक क्रॉनिक प्रोसेस चलता रहेगा और इसी दौरान हम एक्नी की सेवेरिटी को ग्रेड करते हैं फ्रॉम माइल्ड, मॉडरेट टू सिवियर। वक्त पे अगर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ज़्यादा चांसेस होते हैं माइल्ड एक्नी को सिवियर फॉर्म्स में कन्वर्ट होने के लिए। इसीलिए जिस माइल्ड एक्नी को हम टॉपिकल मेडिकेशन से इजीली ट्रीट कर लेते हैं, उसी को फिर हमें ओरल मेडिकेशंस में, और बहुत सी ऐसी मेडिकेशंस हैं जिन्हें हम ख्वातीन को बहुत सोच समझ के देते हैं जिनमें टोटली हमल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, 100% प्रेगनेंसी ना हो। सो बेटर टू ट्रीट एक्नी अर्ली। और आखिरी बात, एक्नी आपकी सेल्फ इस्टीम को बहुत मुतासर करती है। इससे सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है, इसलिए अगर टाइमली ट्रीट कर लिया जाए तो यू कैन बूस्ट अप योर सेल्फ इस्टीम एज वेल। अब हम बात करते हैं कि अगर एक्नी क्लियर नहीं हो रही इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। बहुत से पेशेंट्स को ये नहीं मालूम होता कि एक्नी का ट्रीटमेंट टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एटलीस्ट इनिशियल रिस्पॉन्स देखने के लिए हमें 4 to 6 weeks चाहिए होते हैं। सो आप सिर्फ 4 days एक ट्रीटमेंट यूज़ करने के बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट में स्विच नहीं कर सकते। बेटर कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज एक्नी की ट्रीटमेंट में हम डिफरेंट एरियाज़ को टारगेट कर रहे होते हैं। कुछ ट्रीटमेंट ऐसी हैं जो बैक्टीरिया को टारगेट करती हैं, कुछ ट्रीटमेंट आपकी ऑयल सिक्रीशंस को टारगेट करती हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स क्लॉग्ड पोर्स को टारगेट करती हैं। सो डर्माटोलॉजिस्ट विल डिसाइड कि कब कौन सा ट्रीटमेंट देना है, एड ऑन क्या करना है और कितनी मिकदार में देना है और हाउ ऑफन टू यूज़ द ट्रीटमेंट। सो बेटर फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा डेली रूटीन में वॉश योर फेस ओनली ट्वाइस, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग से भी एक्नी स्किन सेंसिटिव होती है और ब्रेकआउट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए भी मेक श्योर कि नॉन कॉमेडोजेनिक हैं और दे वॉन्ट क्लॉग योर पोर्स। फाइनली, डोंट टच द लेंस, डोंट पिक द लेंस एंड गेट एक्सपर्ट ओपिनियन फॉर योर ट्रीटमेंट फॉर योर एक्नी। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।